नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, जहां एक तरफ कोरोना का कहर लोगों पर बरस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के सन हॉस्पिटल से भारी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन मरीजों को ऑक्सीजन देने से ये कह रहा है लगातार मना कर रहा है। और आपको बता दें कि उनका कहना है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। प्राइम टीवी की पड़ताल के बाद खुलासा हुआ कि अस्पताल प्रशासन सिर्फ उन मरीजों के लिए ऑक्सीजन बचा के रखा है जिनसे अस्पताल को मोटी रकम मिलती है। प्राइम टीवी के इस खबर पर गौर करते हुए सन हॉस्पिटल के खिलाफ जिला प्रशासन ने FIR दर्ज कर ली है। तो लखनऊ से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सन हॉस्पिटल से लगातार लापरवाही और दबंगई के मामले चलते जा रहे थे, और इस खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से भी दिखाया। और आपको बता दें कि अब पुलिस ने इस पूरे मामले पर हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार रही है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाते हुए इसके कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते जनपद आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लॉकडाउन का पालन कराने हेतु शहर कोतवाली की पुलिस टीम ने कई जगहों पर भ्रमण कर लॉकडाउन का पालन कराने के साथ ही मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। साथ ही लोगों को यह हिदायत दी है कि अनावश्यक घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले। और इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ के सदर उपजिलाधिकारी ने मुबारकपुर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस बल के साथ कस्बे में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान के दौरान राहगीर और लोगों ने के अनावश्यक घूमने पर प्रतिबंध लगाया गया है, और लोगों से कहा गया कि शासन की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। बाजार कुछ दुकानें खुली हुई थी, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा था, लॉकडाउन किया गया है सभी दुकानों को बंद करने के लिए। तो उसी के तहत एक अभियान चलाकर आज दो दुकानों को सील किया गया है। आगे सतत ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जो भी लॉकडाउन को उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सर, मुबारकपुर में जैसे कि खुलेआम लोगों का, जैसे बाजारी बंद करने के बाद भी लोग खुलेआम मतलब मार्केट कर रहे हैं, तो ग्राहकों को भी क्या कहेंगे? देखिए, जान अपनी है, जनता को समझना चाहिए, अपनी जान की हिफाजत करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, उनका भी परिवार, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की चिंता करें कम से कम, क्योंकि अगर सभी लोग समस्याएं रुक जाएंगी, कोरोना का प्रसार। आगरा से मारपीट का मामला सामने आया, जहां दबंगों के परिवार की महिलाओं ने एक महिला को सरेआम सड़क पर बेरहमी से पीटा। इस घटना को तबाशबीन बनाकर ग्रामीण देखते रहे, लेकिन दबंगों के डर से महिला को किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि पहले भी दबंग परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं, और दोबारा मारपीट होने से परिवार में दहशत बनी हुई है। आपको बता दें कि जब मारपीट की शिकायत के लिए पीड़ित महिला थाने पहुंची, तो महिला के खिलाफ ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी, जो पुलिस प्रशासन सवालिया निशान खड़े कर देता है। तो आगरा से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर दबंग परिवार के कुछ महिलाओं ने एक दूसरी महिला के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि पहले भी दबंग परिवार के लोगों के साथ मारपीट की जा चुकी है, और दोबारा मारपीट होने से परिवार दहशत में बनी हुई है। आपको बता दें कि जब मारपीट की शिकायत के लिए पीड़ित महिला थाने पहुंची, तो महिला के खिलाफ ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी, जो पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आगरा में एक दबंग का तमंचे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में गांव में खुलेआम दबंग तमंचा लेकर घूम रहे हैं। उस युवक की हरकत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल फैल गया है। ये वीडियो ग्राम प्रतापपुरा के प्रधान श्री देवी के भतीजे का बताया जा रहा है। इस युवक को पुलिस का कोई डर नहीं है, और ये सरेआम दबंगई दिखा रहा है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दबंग है वो तमंचा लहराते हुए नजर आ रहा है। हरदोई से जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लड़ाई को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक दूसरे के ऊपर जमकर लाठियां चली हैं। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो हरदोई से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर मारपीट का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों पक्षों में विवाद हो गया और जमकर लाठियां चली हैं।
पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट की घटना सामने आने लगी और रामपुर में भी चुनावी रंजिश के चलते नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थक कांग्रेस नेता मतीउर रहमान पर हारे हुए प्रत्याशी के समर्थक ने हमला कर दिया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की छानबीन भी की जा रही है। तो रामपुर से हम आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। चार बटे पांच मई की रात्रि में गांव लालपुर थाना टांडा से सूचना प्राप्त हुई कि वहां दो पक्षों में मारपीट हो गई है। तत्काल वहां पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर लिया, जो नवनिर्वाचित प्रधान है उसके पक्ष के दो लोगों को और उसके विपक्ष के तीन लोगों को, और पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया। नवनिर्वाचित प्रधान हारून पक्ष की पैरवी स्थानीय कांग्रेस के नेता मतीउर रहमान बबलू द्वारा की जा रही थी, जिनके द्वारा आज थाने पर तहरीर दी गई कि सुबह 4 बजे उनके ऊपर हमला कर दिया गया है और इसमें उनके द्वारा पूर्व में जो मुकदमा लिखा गया उन्हीं में से कुछ लोगों का नाम। खबर उत्तराखंड से, जहां हरिद्वार के डेंसो चौक के पास बनी पार्किंग में खड़े ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना फायर स्टेशन को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि ट्रक में आग इतनी भीषण तरीके से लगी थी कि आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन दमकल विभाग की मुस्तैदी के चलते आग को सावधानी से बुझा दिया गया और पार्किंग में खड़े दूसरे वाहनों में होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान से पहले स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। तो हरिद्वार से खबर बता रहे हम आपको, जहां पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। देखो, हमें यहां पर सूचना मिली है कि एक ट्रक में आग लगी है। नरेंद्रनगर के जिलाध्यक्ष हिमांशु बिजलवाड़ ने मुख्यमंत्री से विधानसभा के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में उपजिलाधिकारी नरेंद्रनगर युक्ता मिश्रा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं खराब हो गई हैं। सीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कोरोना संक्रमित मरीजों के ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत दूर करने जैसी मांगे शामिल है। तो नरेंद्रनगर से आपको एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिलाध्यक्ष ने सीएम को एक ज्ञापन सौंपा है और अस्पतालों की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में उपजिलाधिकारी नरेंद्रनगर युक्ता मिश्रा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि कोरोना महामारी से क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से खराब हो गई है। साथ ही सीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कोरोना संक्रमित मरीजों के ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत दूर करने जैसी मांगे शामिल है। हमारी कोरोना के चलते आज उपजिलाधिकारी नरेंद्रनगर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जो एक ज्ञापन दिया है, हमारी प्रमुख मांगे जो अस्पतालों में अव्यवस्था है उनके व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाए। एकमात्र नरेंद्रनगर में जहाँ की ICU तीनों वार्ड होने के बावजूद भी एक भी ICU का संचालक वहाँ पर मौजूद नहीं है, उसकी भारी कमी देखने को मिल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत दिखाई पड़ रही है। हमने आग्रह किया है कि इन सभी समस्याओं का तुरंत निस्तारीकरण किया जाए और इसी संदर्भ में हमने आज उपजिलाधिकारी माध्यम से माननीय मुख्य कोरोना संक्रमितों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। आपको बता दें कि गंभीर मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की 6 खुराक लगाई जाती है, लेकिन हरिद्वार में कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या की वजह से अब इस इंजेक्शन की शॉर्टेज मार्केट में होने लगी है। इंजेक्शन की शॉर्टेज होने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि सिटी केमिस्ट्रेट को 50 इंजेक्शन मरीजों तक पहुंचाने और बेचने के लिए दिए गए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस भी मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन दिए गए हैं, उनको निर्देश भी दिया गया है कि बिना डॉक्टर के पर्चे के किसी को भी COVID-19 संबंधित दवाइयां या वैक्सीन ना दी जाए। तो हरिद्वार से हम आपको खबर बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार कोविड में रेमडेसिविर इंजेक्शन फायदेमंद साबित हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंजेक्शन की शॉर्टेज होने से लोगों में अफरा तफरी का
माहौल पैदा हो रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि सिटी केमिस्ट को 50 इंजेक्शन मरीजों तक पहुंचाने जाते हैं और उन्होंने इसके साथ में बताया कि जिस भी मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन दिए गए हैं उनको निर्देश भी जारी किए हैं कि बिना डॉक्टर के पर्चे के किसी को भी COVID-19 संबंधित दवाइयां या फिर वैक्सीन ना दी जाए। एक्चुअली सिटी केमिस्ट को 50 इंजेक्शन अलॉट किए गए थे और जो कि उसे मरीजों तक पहुंचाने के लिए और भेजने के लिए दिए गए थे। क्योंकि बात यह है कि जितने भी जो भी मेडिकल स्टोर पे हमने इंजेक्शन प्रोवाइड कराए हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी भी प्रेस्क्रिप्शन के सिटी स्कैन और कोविड से रिलेटेड सारी जो पर्चियाँ हैं वो सबमिट करने के बाद ही इंजेक्शन का। रुक करते अगली खबर की ओर। विकास नगर में भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पूरे जिले को कोरोना मुक्त करने की कसम खा चुके हैं लेकिन उनके विरोधियों को यह रास नहीं आ रहा है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है जो गैर जिम्मेदाराना है जिसके बाद उन शरारती लोगों के खिलाफ विधायक के समर्थकों ने कहा है कि जल्दी ही पुलिस से इन शरारती लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर ली जाएगी। और विधायक मुन्ना सिंह चौहान कोरोना काल में कोरोनेशन सेंटर से लेकर कोविड सेंटर आदि की उचित व्यवस्था के लिए लगातार अपने विधानसभा में डटे हुए हैं। तो विकास नगर से हम आपको खबर बताएं जहां पर विधायक लगातार कोविड सेंटर की मदद कर रहे हैं वहीं एक तरफ शरारती लोगों के खिलाफ विधायक के समर्थकों ने यह बात कही है कि जल्दी ही पुलिस ने शरारती लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और विधायक मुन्ना सिंह चौहान कोरोना काल में कोरोनेशन सेंटर से लेकर कोविड सेंटर से आदि की उचित व्यवस्था के लिए लगातार अपने विधानसभा में डटे हुए हैं। माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी के द्वारा कोरोना काल में जो लोगों की जनसेवा 24 घंटे की जा रही है उसके बावजूद कुछ शरारती तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया पर अशोभनीय टिप्पणी और अशोभनीय वीडियो अपलोड की जा रही है जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसके खिलाफ हमने चौकी बाजार में तहरीर भी दी है कि ऐसे वांछित तत्वों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जिनके द्वारा ये वीडियो अपलोड की जा रही है और जगह जगह इसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हमने चमोली के विकासखंड नारायण बगड़ में लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जांच के लिए जितने भी सैंपल भेजे गए उनमें से 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसके बाद अब ब्लॉक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 149 पहुंच गई है। इनमें से 3 कोरोना पॉजिटिव लोगों को कोविड केयर सेंटरों के लिए रेफर कर दिया गया और 171 लोगों की RT-PCR सैंपलिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर नवीन चंद्र डिमरी ने बताया है कि अस्पताल में लगातार लोगों के एंटीजन और RT-PCR सैंपलिंग की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे जागरूक लोग स्वयं ही अपनी जांच के लिए आ रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सैंपलिंग के लिए गांवों में भी जा रही स्वास्थ्य टीमों के लिए सहयोग तक भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोरोना टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव RT-PCR और एंटीजन हो रहा है जिसमें से RT-PCR 60 टेस्ट हो चुके हैं उसमें से 3 पॉजिटिव निकले हैं और कोई जागरूक लोग खुद आ रहे हैं यहाँ अपना टेस्ट कराने के लिए और किसी को टेस्ट कराने के लिए बोला जा रहा है। इस संबंध में हमारे द्वारा ग्राम सभा स्तर पर प्रत्येक गाँव की सैंपलिंग की जा रही है जिसमें शासन प्रशासन के द्वारा तो पूर्ण सहयोग है लेकिन कतिपय लोगों के द्वारा जैसे ग्रामीणों के द्वारा सैंपलिंग में योगदान मतलब हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है और कुछ लोग तो जो काफ़ी बढ़ चढ़ करके इसमें काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में कितने पॉजिटिव हैं नारायणपुर विकासखंड में? वर्तमान में हमारे पास 151 लोग हमने होम आइसोलेशन में रखे हैं, 3 लोगों को हमारे द्वारा DCC सेंटरों को रेफर किया गया और 171 रिपोर्ट हमारे पास अभी आनी बाकी है जो कि लैब से आने के बाद हम तुरंत। कालाढूंगी के ग्राम चकलुआ स्थित लगे ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट का भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां के टेक्नीशियन प्रभारी एवं उत्तराखंड सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की और साथ ही प्लांट में काम कर रहे मजदूरों को गर्मी से बचाने के लिए उपजिलाधिकारी को सीलिंग फैन लगाने के लिए भी कहा है। इस अवसर पर भाजपा के दूसरे नेता भी मौजूद रहे हैं। तो कालाढूंगी से हम आपको ये खबर बताएं जहां पर भाजपा नेता के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया और इस दौरान उन्होंने वहां के टेक्नीशियन प्रभारी एवं उत्तराखंड सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की और साथ ही प्लांट में काम कर रहे मजदूरों को गर्मी से बचाने के लिए उपजिलाधिकारी को सीलिंग फैन लगाने के लिए भी कहा है और इस अवसर पर भाजपा के कई नेता मौजूद रहे।
लगभग 900 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादित करने वाली फैक्ट्री चकलवा स्थित कालाढूंगी विधानसभा के अंतर्गत जाना हुआ। वहां पर कार्य कर रहे जितने भी श्रमिक बंधु हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनको पूछा, देखा कि क्या असुविधाएं उनकी हैं। बहुत पूर्ण मनोयोग से और बहुत परिश्रम से ऑक्सीजन उत्पादित कर रिफिलिंग का काम वहां पर हो रहा है, और जैसा उन्होंने बताया कि गर्मी में भी वो लोग काम कर रहे हैं, तो दो पंखे की डिमांड वहां पर हुई, उसमें माननीय उप जिलाधिकारी कालाढूंगी को दो पंखे उन मजदूरों के लिए, उन सेट के लिए प्रोवाइड कराने का एक अवसर प्राप्त हुआ। और शेष बात यह है कि पूरा प्रशासनिक अमला जो वहां पर देखा, जिस मुस्तैदी से लगा हुआ है, वह वंदनीय है और सराहनीय है। जनपद में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या से घबराए व्यापारिक संगठनों और जागरूक लोगों की मांग पर जिलाधिकारी ने जनपद में बाजार की समस्त दुकानें सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर 6 मई से 9 मई तक 5 बजे तक पूर्ण बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। उक्त अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी, साथ ही दवाइयों की दुकानें आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए पूरे समय तक खुली रहेंगी। बाकी जिले में पिछले सभी दिशा निर्देश पहले जैसे ही रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर जनपद में तहसीलदार और चौकी प्रभारी नेतृत्व में बाजारों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक करने के साथ ही नियम कायदों की अवहेलना करने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर तहसीलदार ने बताया कि वो कोविड से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही कोरोना पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेशन में रहने को कह रहे हैं, और साथ ही स्वास्थ्य टीमों के साथ उन्हें जरूरी टिप्स भी दिए जा रहे हैं। मेडिकल की सेवाएं 24 घंटे तत्पर तैयार हैं। हम जैसे कि लॉकडाउन है, अन्य दुकानें सब दिन में 2 बजे बंद हो जाती है, लेकिन मेडिकल की दुकानें रात्रि 8 बजे और उसके बाद इमरजेंसी में भी खुलती रहती हैं, और हमारा 24 घंटे का काम है। तो क्या आज भी आपके पास जो पेशेंट हैं वो आ रहे हैं? आते हैं, पेशेंट भी आते हैं, सर्दी बुखार वाले आ रहे हैं। तो आप सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को? बिल्कुल सर, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी से पूरी जान से सेवाएं देते रहें। देखिए, जिलाधिकारी महोदया चमोली के आदेशानुसार 3 दिन का नारायण बगड़ में लॉकडाउन घोषित किया गया है, और इसका पूरी सख्ताई के साथ पालन किया जाएगा और किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन हम फिर भी सभी लोगों से और ख़ास करके व्यापारी भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे कि चूँकि ये लॉकडाउन उन्हीं के द्वारा जो है इसकी मांग की गई थी, व्यापार मंडल नारायण बगड़ के द्वारा हमको एक लेटर लिखित में दिया गया था, उसी के अनुरूप हमने ये जरूरी समझा, क्योंकि नारायण बगड़ के अंतर्गत बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। और दूसरी बात, हम जितने भी यातायात से संबंधित कोई भी अगर कोविड 19 के नियमों का गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध भी हमारा पुलिस और राजस्व विभाग दोनों मिल कर के कार्यवाही कर रहे हैं। और तीसरी बात, आपने जो बोले कि जो होम आइसोलेशन की स्थिति है, उस पर भी हमने जहाँ जहाँ आपका कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उनको होम आइसोलेशन में बने रहने के लिए कहा गया है। अगर कोई उनको दिक्कत होती है तो वो स्वास्थ्य विभाग से या संपर्क कर सकते हैं कि उनको किस प्रकार की दिक्कत है, लेकिन किसी भी स्थिति में वो जो है होम आइसोलेशन के नियमों का पालन अगर नहीं करते तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग से हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था, जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी स्थिति पर नज़र रखने के लिए 2 टीमें उनके द्वारा गठित की गई हैं, जो रोटेशन के हिसाब से वहाँ जा करके उनका स्वास्थ्य की देख। वहीं लखनऊ के जोन 5 के अंदर आने वाले चंदर नगर सब्जी मंडी में लोगों और सफाई कर्मियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इसी पर जोन 5 के कार्यालय पर सफाई कर्मचारियों ने उन लोगों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मांगों को ना माना गया तो लखनऊ शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त कर दी जाएगी। तो लखनऊ से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सफाई कर्मी और लोगों के बीच मारपीट का एक मामला सामने आया, और इसी पर जोन 5 के कार्यालय पर सफाई कर्मचारियों ने उन लोगों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी की भी मांग की है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो लखनऊ शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त कर दी जाएगी। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।